हेलो गाइस, तो ये कहानी है एक भूतिया महल की। और वहाँ गए हम चार लड़कों की, जो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि महल में हमारे साथ एक आत्मा घूम रही है। कौन थी वो आत्मा, क्या हुआ उस रात हमारे साथ, जानने के लिए शुरू करते हैं भूतिया महल का एपिसोड 1। मॉनसून का महीना चल रहा था। 2 घंटे तेज बारिश के बाद मौसम अचानक से बहुत ज़्यादा साफ होने लगा था। रविवार की रात थी। मेरा और मेरे 3 दोस्तों का प्लान बन गया बाहर घूमने जाने का। हम सब दोस्त मिलकर एक जगह बैठकर चाय पीते हुए बस यही सोच रहे थे कहाँ घूमने जाए। तभी मेरे एक दोस्त ने हमें यूट्यूब पर एक महल की वीडियो दिखाई, क्योंकि वो महल की लोकेशन हमारे घर से बस 14-15 किलोमीटर दूर थी। इसलिए हम सब दोस्तों ने बिना कुछ सर्च किए महल के बारे में अपनी बाइक्स उठाकर महल की तरफ निकल गए। महल से 1-2 किलोमीटर पहले ही कच्चा रास्ता आ गया था। दोनों साइड पेड़ों का हिलना, तेज हवा का चलना, मानो हमें इशारा कर रहे हो यहाँ से वापस चले जाओ। ऐसी जगह देखकर मेरे एक दोस्त ने बोला, चलो भाइयों यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन मेरे दूसरे दोस्त बोलने लगे, भाई अब हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब तो महल देख कर ही जाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग महल के पास पहुंच ही गए। महल का मेन गेट लॉक था और उसके अलावा महल के अंदर जाने का और कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए हमने सोचा, चलो यहाँ से वापिस चलते हैं। और फिर हम जब वापिस जाने के लिए पीछे मुड़े, हमारे सामने एक चौकीदार अंकल खड़े थे। उन्होंने हमसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने बोला, अंकल हमने इस महल की वीडियो यूट्यूब पर देखी थी, इसलिए हम इस महल में घूमने आए थे, बस इस महल को देखने आए थे। चौकीदार अंकल ने बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस महल में घुमाता हूँ। उसके बाद चौकीदार अंकल ने महल का मेन गेट खोला और हम उनके साथ महल के अंदर चले गए। महल में थोड़ी अंदर जाने के बाद चौकीदार अंकल ने हमें बोला, सुनो बच्चों, तुम्हें इस महल की भूतिया कहानी पता है? हमने बोला, नहीं अंकल हमें नहीं पता इस महल के बारे में कुछ भी। चौकीदार अंकल ने बोला, मैं बताता हूँ। उसके बाद चौकीदार अंकल ने हमें कहानी सुनाई कि 2 साल पहले इस महल का एक चौकीदार हुआ करता था, जो पूरी रात अकेला इस महल की रखवाली करता था। लेकिन एक दिन चौकीदार अंकल के इतना बोलते ही अचानक से 2-3 चमगादड़ उड़कर हमारी तरफ आए और हम चमगादड़ से डरकर नीचे झुक गए। और 5-10 सेकंड बाद जब हमने वापस पीछे देखा तो चौकीदार अंकल हमारे साथ नहीं थे। हमने उन्हें चारों साइड देखा, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। उसके बाद जब हम महल से बाहर निकले तो हमने देखा महल का मेन गेट लॉक था और सामने से 2 पुलिस ऑफिसर्स आ रहे थे। पुलिस ऑफिसर ने हमसे पूछा, तुम लोग महल के अंदर कैसे गए? महल का मेन गेट तो लॉक था और इस समय तुम लोग महल में क्या कर रहे हो? हमने बोला, सर हम तो महल में घूमने आए थे बस यूट्यूब पर इस महल की वीडियो देखकर, लेकिन हम महल का मेन गेट लॉक देखकर वापस जा रहे थे। लेकिन फिर चौकीदार अंकल ने हमें बोला, चलो मैं तुम्हें इस महल में घुमाता हूँ। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर्स ने महल का गेट खोला और हमें बाहर निकाला। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स ने बोला, तुम्हारे से पहले भी रात को यहाँ पर और लोग घूमने आए थे, उन्होंने भी यही सेम चौकीदार वाली बात बोली। लेकिन बच्चों तुम्हें एक बात बताए, 2 साल पहले इस महल में एक चौकीदार था जिसकी महल की छत के ऊपर से गिरने की वजह से मौत हो गई थी, और उस दिन के बाद से कोई भी चौकीदार रात के समय इस महल के बाहर नहीं रुकता। ये सुनते ही हम चारों दोस्त बहुत ज्यादा डर गए थे। हम लोग समझ गए थे कि वो चौकीदार जो हमें महल के अंदर लेकर गया था, वो चौकीदार नहीं, चौकीदार की आत्मा थी। उसके बाद हम सब दोस्त अपने अपने घर जाकर सो गए और हम सब दोस्तों ने सोच लिया था कि आज के बाद कभी भी रात में घूमने जाएंगे तो किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाएंगे जिसके बारे में हमें सही से नहीं पता हो। और चौकीदार की आत्मा हमें जो कहानी सुना रही थी, क्या था उस कहानी में आगे, क्या बताना चाहती थी चौकीदार की आत्मा हमें, और चौकीदार की आत्मा हमें महल के अंदर क्यों लेकर गई, ये सब पता लगेगा गाइज आपको भूतिया महल के आने वाले एपिसोड्स में। तो गाइज मेरी इस कहानी का मेरी असल जिंदगी से या मेरे किसी भी दोस्त की रियल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कहानी मैंने बस आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है। तो गाइज कमेंट में बताना स्टोरी कैसी लगी, फर्स्ट टाइम अपने आप से ऐसी कोई स्टोरी बनाई है, और इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।